ट्रेलर मैंने बहुत पहले देखा था, इसका ट्रेलर फिल्म फेस्टिवल पे जब ये सिलेक्ट हुई थी, और तब इंटरनेशनल ट्रेलर देखा था। इनफैक्ट मैंने इंडिया थिएट्रिकल ट्रेलर नहीं देखा है, उस पर हो सकता है वो अलग हो, बट मैंने इंटरनेशनल ट्रेलर देखा था। और बस इंतज़ार था कि ये कब इंडिया में रिलीज़ होगी। और इस फिल्म की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। फेस्टिवल्स में काफ़ी फिल्म जाती हैं, बट इंटरनेशनली पहले रिलीज़ हुई है काफ़ी कंट्रीज़ में, और डे इन डेट रिलीज़ नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता करके अभी अपनी होम कंट्री में आई है। एंड पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, एंड प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इंटायर कास्ट एंड क्रू की, जैसे बोलते हैं, देर आए दुरुस्त आए। सर, आपने भी मतलब हार्डकोर रियलिस्टिक सब्जेक्ट पे फिल्म में काम किया है, तो एक्टर के तौर पे कमर्शियल फिल्म में काम करना और एक रियलिस्टिक सब्जेक्ट पे काम करना कितना डिफरेंस होता है? लेकिन फिल्म अच्छी होती है या बुरी होती है तो इसको आप दोनों दोनों आर्ट फॉर्म है, लेकिन इस एक एक कुछ फिल्में होती हैं जो बिल्कुल एक फॉर्मूला को फॉलो नहीं करती, और ये फिल्म उसमें फॉलो इन करती है, और अक्सर मैंने भी वैसी फिल्में की हैं, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री अलग होती है। मैंने कम ही सुना है अगर एक मेन स्ट्रीम फिल्म इंटरनेशनली पहले रिलीज़ हुई हो और फिर यहाँ पर इंडिया में रिलीज़ हो रही हो, लेकिन ये एक टोटली एक कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्म के साथ पॉसिबल है। और ये मालूम है कि राधिका का न्यूज़ वीडियो लीक हुआ था इस फिल्म का, तो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, तो ये कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने की जरूरी फिल्म के सक्सेस के लिए? के बारे में इल्म नहीं है, मैंने सुना था कुछ हुआ है, लेकिन मुझे उसका ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, ना मैंने देखा है और ना फॉलो किया है। लेकिन कंट्रोवर्सी कोई ज़रूरी नहीं है, अगर कंट्रोवर्सी हो तो आप लोग ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, बट हो सकता है दर्शक भी करते हो, बट एक फिल्म मेकर फिल्म कंट्रोवर्सी के लिए नहीं बनाता, कंट्रोवर्सीज बन जाती हैं। एंड व्हाट इज कीपिंग यू बिजी दिस डेज? आजकल मैं अपनी पोस्ट प्रोडक्शन फाइनल, हमारी दो पिक्चरें रिलीज होंगी, एक शब है ओनियर की और एक माय बर्थडे सॉन्ग, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई है, डेब्यू डायरेक्टर समीर सोनी है उनके साथ, और इन दोनों का काम चल रहा है। एंड एक्ट करना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल हर चीज़ होती है ऑनेस्टली, डिपेंड्स कि आप कितना बिलीव करते हो सब्जेक्ट के ऊपर, वट एवर स्टोरी के ऊपर, हाउ मच यू वॉन्ट टू बी प्ले द कैरेक्टर, डिपेंड्स अलॉट ऑन दैट। ऐसे मैं कैसे बोलूँ कि कौन सी मूवी कितना डिफिकल्ट है, वो एक्टर ही बोल सकते हैं ज़्यादा, बट आई कैन से दैट मैं बहुत मैंने जब ट्रेलर देखा फाज का, मुझे लगा था कि नेटफ्लिक्स, बिकॉज आई सॉ वन इंटरव्यू ऑफ राधिका एंड शी सेड दैट इट्स आउट ऑन नेटफ्लिक्स, तब मैंने वो नहीं सुना था कि USA में आउट था सिर्फ, बट आई वॉज रियली ईगर टू वॉच दिस फिल्म बिकॉज आई रियली रियली लाइक द ट्रेलर ऑफ द फिल्म, और या आई एम रियली हैप्पी, आई ऑलवेज फील गुड व्हेन दे मेक रियलिस्टिक फिल्म्स, बिकॉज मुझे आई पर्सनली लाइक सच फिल्म्स, सो आई एम हियर टू वॉच दिस फिल्म। और मुरली, आजकल देख रहे हैं कि आज के समय में क्वीन की बात ले लें या फिर अकीरा आज हाल ही में, सारी जो फिल्में हैं वो फीमेल ओरिएंटेड है, फीमेल ही हीरो है, तो ये कितना पॉजिटिव साइन है बॉलीवुड के लिए? माई थम्स आर गोना से इट्स एन अमेजिंग थिंग, बिकॉज वेस्ट में हमेशा एक्चुअली द फीमेल स्टार्स आर बिगर दैन द मेल स्टार्स, इवन इन वेस्ट फॉर दैट मैटर, ऐसा द स्टोरी शुड बी द हीरो ऑलवेज आई बिलीव मूवी में, एंड देन ऑटोमेटिकली यू कास्ट पीपल उसमें, आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर टेलिंग स्टोरीज विच आर वेर द प्रोटैगनिस्ट इज अ फीमेल, because then it's interesting, sirf only male oriented films you get a break, and then there's diversity in movies, so I'm happy ke audience accept kar rahe, they're not just completely being male chauvinist, it's interesting that they're accepting different kinds of movies, and I'm proud of it. Anyone wants to, you know, want to watch the film, apart from it, for me it's a really special film that I'm looking forward to. I know Leena for the last 25 years, most of the actors I've worked with, Radhika, Tanishta, Riddhi, so I'm really looking forward to the film, and it looks like an incredibly special film. Also, it's already had such a long journey in film festivals that, you know, it already has all the accolades of a very, very promising audiovisual experience.
इफ़ यू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म, नॉर्मली इंडिया में ये सब फिल्में नहीं चलती है. ज़्यादातर लोगों को स्टार स्टडेड फिल्म देखना पसंद आता है, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे जब एक फिल्म को अप्रिसिएशन मिलता है, पीपल इन इंडिया टू लाइक द फिल्म. So your take on it? I feel that honestly speaking, the audience in India is also changing. You can see what is happening to Pink. I think slowly, you know, when it's a good film, people will go and watch. But of course, having gone to so many film festivals, plus having been received very well in countries like France, Mexico, where this film is released and still running, you know, and I've heard from friends abroad, they all love the film. I think it will tickle in here, and because it's a good film, whether it did well abroad or not, it will be, I'm quite sure people will love the film, because it's a experience that's different, and slowly there is a growing audience for experiencing different kind of films. And the film has been in news for all the good reasons and for the bad reasons too. So do you think that affects the film? I think it will all be good. Every reason will be a good reason. बात की थी और वहाँ से जर्नी शुरू हुई और हमने ये कहानी को खोजना शुरू किया. बहुत सारे गाँव गए और बहुत सारी औरतों से मिले, बहुत सारी कहानियाँ इकट्ठे करके फिर बॉम्बे आए, और बॉम्बे में आके लगा कि यही कहानियाँ यहाँ पे भी हो रही हैं और ज़्यादा छुपी हुई हैं. तो हमने उन कहानियों को डेवलप करना शुरू किया, और जब मैंने अपने दोस्तों को ये स्क्रिप्ट भेजी पूरी दुनिया में, उन्होंने और कहानियाँ लिख के वापस भेजी. तो ये शुरू हुई, और आई थिंक हर स्टेज पे मैं इस फिल्म को और जानने लग गई. सेट पे एक्टर्स के साथ और कुछ डिस्कवर किया, तो बहुत ही एनरिचिंग और बहुत इमोशनली लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था. व्हेन यू थॉट ऑफ मेकिंग दिस फिल्म, व्हाट विल यू डू कास्ट राधिका, राधिका की पर्सनली और मदर एज एन एक्ट्रेस इन इंडिविजुअल? आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद राधिका आफ्टर आई सॉ हर इन शोर इन द सिटी, एंड व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग पास्ट मच बिफोर आई फिनिश्ड द स्क्रिप्ट, माय हस्बैंड असीम बजाज वाज शूटिंग अ शॉर्ट फिल्म विद हर, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हर, एंड आई कॉल्ड ओवर होम, एंड मैंने बस एक इनफॉर्मल सा ऑडिशन किया तनिष्ठा और राधिका के साथ, और आई थिंक स्क्रिप्ट खत्म होने से पहले ही हमने ये डिसाइड कर लिया था कि राधिका विल बी पार्ट ऑफ द फिल्म. ऐसा बहुत कुछ हुआ है हम सबकी लाइफ में, तो ये कुछ पर्सनल नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन हैं ऑफ टू मेनी लाइफ, और बहुत लोगों का इनपुट आया है इन स्टोरीज को यू नो फ्लैश आउट करने में. मैम लास्टली ये पूछना चाहूंगा कि वैसे तो काफी सारे फिल्म फेस्टिवल्स में काम कर रहे हैं, लेकिन इज इट ग्रैंड ए कमर्शियल सक्सेस आते हैं इन बारे में, कि फिल्म फेस्टिवल्स में जो अवार्ड्स मिलते हैं वो कमर्शियल सक्सेस के लिए? वो दो अलग बातें हैं, एंड कमर्शियल सक्सेस आई थिंक मिलता है जब फिल्म कनेक्ट करती है ऑडियंस से, दैट्स द मेन थिंग. और आई होप ये फिल्म कनेक्ट करे, क्योंकि बहुत ही इमोशनल फिल्म है, तो बाकी फ्राइडे को पता चलेगा. आई थिंक हमारे देश में इतनी कहानियाँ हैं ना, तो वो बोलते बोलते आई थिंक कल सुबह हो जाएगी. ये था कि जो जो मुश्किल तो ये था कि जो पॉइंट ऑफ व्यू था पूरा फिल्म का, जो फिल्मी पॉइंट ऑफ व्यू था, और लीना के साथ मैंने अपनी शुरुआती तौर पे तीन पत्ती में भी काम किया था, तो जिस हिसाब से लीना का नज़रिया था पूरी पिक्चर को देखने का वो बहुत ही डिफरेंट था. मुझे लगता है कि इंडियन ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन फिल्म होगी. और कास्टिंग लेवल पर चैलेंज ये था कि जितनी लड़कियाँ हैं सब, सुरवीन को पहली बार इस पिक्चर में लाना, क्योंकि अगले से पहले सुरवीन फिल्म के अंदर आई थी, और बाकी जो नए दो तीन बच्चे जो आप देखेंगे बाकी नहीं कास्टिंग देखेंगे, सबके सब ऐसे फंटास्टिक एक्टर चाहिए थे. इतना बोल्ड सब्जेक्ट है, जब तक एक्टर दमदार नहीं होगा, इतना अंडरस्टैंडिंग वाला होगा नहीं, कुछ फिल्म का मतलब नहीं होता. तो ये सब चैलेंज जो लिया था वो लीना की वजह से ही हो पाया, और बाकी जो छोटे छोटे रोल थे जो मैं लोकली काज के राजस्थान में जिस तरह फिल्म को बनाया तो लिखा गया, बहुत ही कमाल था. मुकेश जी ये पूछना चाहूँगा, राधिका आपने का जो कैरियर है काफ़ी ऊँचा उठ रहा है एज एन एक्ट्रेस, इस तरह की ऑफबीट फिल्म में कास्ट करने की वजह क्या है, उनके पर्सनैलिटी के बारे में बताइए. आई थिंक वो ऑफबीट फिल्मों की बात नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब मैंने पहली बार उसको बदलापुर में कास्ट किया उसके बाद ये पूरा का पूरा सिलसिला शुरू हुआ,
मेरा आइडिया ये था कि ऐसी एक्ट्रेस जो सिर्फ परफॉर्मेंस के बारे में सोचती है, जिसके दिमाग में कोई भी ऐसा हंगत नहीं है कि ये नहीं करूँगी, मैं उसको जहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखती है, जो कोई भी एक्टर्स नहीं कर पाती, सोच जो एक्टर सोच भी नहीं पाती है, करा देगा एक्टर जो है वो कर देती है। अच्छा। तो डायरेक्टर के लिए कंफर्ट होता है कि ऐसे एक्टर को मिलना जो सोच से इतना बोल्ड हो, अपनी परफॉर्मेंस से इतना तैयार हो। अभी राधिका आप्टे के अंदर एक वो बात है कि जो सोच उसकी एज एन एक्टर इतनी खुली है कि वो हर रोल को एक्सेप्ट करने में रेडी रहती है। वो इस तरह से नहीं सोचती है कि ये फिल्म करूँगी तो मुझे लोग ऐसे देखेंगे, ये सोचेंगे ऐसे होगा। वो एक ऐसे इंटरनेशनल लेवल की एक्टर है, आई थिंक इसलिए लोग उसको लेते हैं। यार आई थिंक मुझे एक तो जिस तरह की फिल्में बन रही है और जिस तरह की स्क्रिप्ट मुझे मिलती है, जो चैलेंजिंग स्क्रिप्ट होती है, जो भी अच्छे डायरेक्टर होते हैं, मैं कोई भी ऐसी पिक्चर